बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान को गति देने के लिए शुरू की गई नीम हकीम पौधारोपण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। पटना के IGIMS अस्पताल से शुरू किए गए अभियान के तहत शनिवार को किदवई पूरी पार्क में मंत्री नीरज बबलू ने वृक्षारोपण किया। BJP युवा मोर्चा के साथ किदवई पूरी पार्क में पौधारोपण करने पहुँचे पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन को सफल करने की बात कही। मालूम हो कि नीम हकीम वृक्षारोपण अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली के 5 करोड़ पौधारोपण मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों में पौधारोपण किया जाएगा। टारगेट है 5 करोड़ लगाने का, मिशन 5 करोड़। उसी के तहत युवा मोर्चा के साथियों ने इस काम को और आसान करने के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी है, पूरा टीम है, इन लोगों ने भी 5 करोड़ में से 5 लाख पेड़ का टारगेट लिया है। उसका शुरुआत आज इस पार्क में किया गया है वृक्षारोपण का। पूरे बिहार में हरित आवरण जो काफी घटा हुआ था झारखंड बंटवारे के बाद, उसको बढ़ाने के लिए 17% पहुंचाने के लिए, उससे आगे करने के लिए 5 करोड़ का टारगेट है। उसमें ये मिशन स्टार्ट हुआ प्लांटेशन का, और खास करके हम लोग नीम का पेड़ ज्यादातर लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में जिस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों का जान चली गई, तो वातावरण में ये मतलब वातावरण को साफ करने का और ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है नीम का पेड़। इसलिए हम लोग नीम हकीम योजना के तहत इस काम का भी हम लोग शुरुआत किए हुए हैं, और नीम का प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो रहा है। फलदार पेड़ भी लगा रहे हैं, जो गरीब आमजनों के लिए है वो हर जगह लग रहा है। तो उसी मिशन के तहत आज ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया।